पक्की बात है, फलक दीदी मुझे यही बताकर गई थी कि वो हॉस्पिटल जा रही हैं अपनी खाला को देखने। तुमने देखा हो किसके साथ गई है? जी नहीं, मैंने तो नहीं देखा। हाँ, पर गार्ड ने बताया था कि वो बाहर अकेली गई थी। अच्छा, वो बाहर होगा ना। जी कौन आया होगा? तुम जाओ। जी तैमूर, अभी तक नाराज हो मुझसे? देखो, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। उस वक्त मुझे तुम्हारे हक में जो बेहतर लगा, जो मुनासिब लगा, मैंने वही फैसला कर लिया। मुझे लगा मुझे तुम्हारा निकाह कर देना चाहिए। जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानती थी कि वो ऐसी निकलेगी। वरना तुम्हें क्या लगता है, मैं कभी ऐसा करती क्या? लेकिन तैमूर, तुम इस गलती को मत दोहराना उसे माफ करके। माफ करके? अभी अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो, इस तरह की जो लड़कियां होती है ना, वो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें छोड़ देगी? वो जरूर आएगी फिर से, फिर से कोई ड्रामा करेगी, तुमसे माफी मांगेगी, लेकिन तुम माफ नहीं करना। कि जो तुम्हारा दिल चाहे ना वो करो। भूल जाना कि शादी मैंने करवाई है, भूल जाना कि वो मेरी दूर पर है कि रिश्तेदार है। इस बार तुम वही करना जो तुम्हारा दिल कहे। मेरी बात मानो ना, दे दो से। कौन सा रिश्ता है तुम दोनों के बीच में? एक कागजी सा मामूली सा रिश्ता तो है। तलाक दो, जान छुड़ा उसे। क्या लिया है तैमूर ने उसमें? छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा उसे।